हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुश होगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आज मेरा ड्यूटी तो मेरा 4 बजे रहता है, तो बहुत इनफ टाइम रहता है। तो व्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको खजूर के बगीचे में। खजूर की खेती यहाँ पे सऊदी अरब में कैसी होती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ पे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जस्ट एंटर किया हूँ, ये फॉर्म हाउस टाइप का है। तो यहाँ पे बैठने उठने का सब सोफा वोफा है, टेम्प्रेरी थोड़ा सा और लेबर लोगों के लिए रूम वगैरह बना के रखे हुए हैं सऊदी लोग, यानी कि यहाँ पे जो भी काम करते हैं ना उसको फुल फैसिलिटी मीन्स एकदम VIP फैसिलिटी नहीं देते, बट मिनिमम जो फैसिलिटी है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड डोर में आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे इतना डेट्स पड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, खाने वाला कोई नहीं रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी इकट्ठे करके रखे, खाने वाले कोई नहीं है ना है। फॉर्म हाउस में मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सऊदी ने मुर्गी पाल के रखा है, देसी मुर्गी, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। देखो दो ही पीस है। तो दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 12 PM हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना ग्रीनरी है, नहीं लग रहा है कि ये सऊदी अरब है, क्योंकि मैं रहता हूँ रिमोट सिटी में, तो ये सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा ग्रीनरी वाला प्लेस है यहाँ पे। तो देखो इधर पूरे डेट्स के ही ट्रीज है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे देखो। ये यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, लेमन टाइप का है, बड़ा बड़े साइज का, देखो यहाँ पे फला हुआ है। तुम देख सकते हो यहाँ पे इतने डेढ़ से खाने वाले कोई नहीं, उठाने वाले कोई नहीं है दोस्तों। आप लोग हम लोगों को तो मिलता नहीं है इंडिया में इतना खजूर डेढ़, बट यहाँ पर इतना है तो खाने वाले नहीं है। देखो ये वाले ट्री, अभी सीज़न ऑफ हो गया है इसका, सीज़न ना जा रहा है मीन्स चले ही गए हैं ऑलमोस्ट। जूम करके दिखाता हूँ, देखो फला हुआ है, पूरा रेड हो गया है, एक एक करके गिरता है, फिर इसको ना रस्सी करके, कुछ लंबे रस्सी करके इसको बांध के गिराया जाता है। इस ट्री में तो नहीं है, सिर्फ इसी में दिख रहा है मेरे को, बाकी देख सकते हो इतना बड़ा है। मैं तो एक छोटे से एरिया को ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ओनली ट्री ही है, और वर्कर लोग तो आज दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि लोग पूरा इकट्ठे करके रखे हैं बोरी में, उसके बाद इसको वो वॉश वगैरह करके, इसको सैनिटाइज करके फिर इसको बॉक्सिंग करते हैं। अभी तो ऐसे टेम्प्रेरी बोरी में इसको बैग में ऐसे कवर करके रखे हैं डेट से पूरे, देख सकते हो। खाने वाला कोई नहीं है। हम लोग को जब अच्छा होता है तो हम लोग तो फ्री में ही ऐसे उठा के खा लेते हैं इसको, वॉश करके धो के। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं रिटर्न हो गया हूँ यहाँ पे से। तुम देख सकते हो इधर वही सेम सब ट्रीज वगैरह हैं। एक पेड़ मैंने देखा था यहाँ पे नींबू का,
लाइम का, वो दिख नहीं रहा है, मैं कैप्चर करने वाला था उसको भी, दिखाता हूँ जाता हूँ वहाँ पे, दिख नहीं रहा है, कल आया था तो दिखा था वो, बट कहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है दोस्तों, और ये तो एकदम मिनिमम आपको मिलेगा ऐसे फार्मिंग वाला प्लेस। और जहाँ पे मैं रहता हूँ अलूला सिटी, सऊदी अरब का अलूला सिटी में, वहाँ पे यही प्लेस है जो यहाँ पे फार्मिंग होता है, बाकी जगह सब तो डेजर्ट है, लैंड नहीं। यहाँ पे मिट्टी सोने के भाव मिलता है, जहाँ पे मिट्टी रहता है वहाँ पे उसका रेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, उस एरिया के ज़मीन का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ इधर ये आ गया लाइम रेमन वाला ट्री, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा इसको भी। देखो यहाँ पे कोई उठा रहा नहीं है लाइम, कल मैं आया था तो इसको दो चार लेके गया था रूम के लिए। ये है लाइम का ट्री, देखो फला हुआ है, आप देख सकते हो, बट खाने वाला तोड़ने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है नीचे। देखो पूरे पके 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 पूरे गिर गए नीचे में। तो आपको मैं लेके आया था खजूर के बगीचे में फार्मिंग में, बट मैं दिखा रहा हूँ इसमें वो खजूर के अलावा भी और लेमन वगैरह है यहाँ पे, देखिए। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देख सकते हो आप, एकदम देसी वाला लाइम है ये। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा कि कैसा लगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे और अच्छे होंगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और अपना अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।